अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क के कोर्स में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ट्रांसमिशन मीडिया है, और ये जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं टेक्स्ट बुक, उसका चैप्टर नंबर 7 है। हम लोग पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि सेंडर रिसीवर, उसके बाद प्रोटोकॉल, और एक जो इनको कनेक्ट कर रहा है सेंडर और रिसीवर को वो चैनल है, या उसको हम लोग कहते हैं कि उससे कनेक्टिविटी है। तो वो जो चैनल है उसके अंदर जो है कनेक्टिविटी उनकी बरकरार रहती है, वो उसको कहते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। अब ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप कह सकते हैं कि एयर है, जैसे कि हमारे मोबाइल नेटवर्क्स हैं, या फिर वायर्ड है, केबल है, इसकी ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गई, नेटवर्क केबल्स हो गई, इंटरनेट नेटवर्क जो कनेक्ट है वायर्ड से, वायरलेस में आपके पास एयर में वाईफाई कनेक्शन आ जाते हैं, मोबाइल नेटवर्क GSM CDM में 3G 4G ये सब आ जाते हैं। तो आपके पास जो है ये सब आप कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया में है। तो हम इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और इंशाल्लाह जो है इसको कवर करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में एक डायग्राम है एक फिज़िकल लेयर की। फिज़िकल लेयर बेसिकली वही कनेक्शन है जो आपका फिज़िकली नेटवर्क में कनेक्टेड है। तो वो किससे कनेक्ट है फिज़िकल लेयर? एक सेंडर की, दूसरे रिसीवर और सेंडर का जो एक पूरा एक सिस्टम है उसकी फिज़िकल कनेक्टिविटी ट्रांसमिशन मीडियम से ही है। अब वो एयर मीडियम है या केबल है वो इस फिगर में डिफाइन किया हुआ है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो फिज़िकल लेयर पे कनेक्ट होगा हमेशा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है गाइडेड मीडिया। इसकी एक मिनट में, यहाँ पे एक और डायग्राम है, बुक को भी देख लेते हैं साथ साथ। क्लासेस हैं, एक डायग्राम है क्लासेस ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड में वायर्ड आएगा, अनगाइडेड में वायरलेस आएगा। तो वायर्ड में हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल है, कोएक्सियल केबल है, और फाइबर ऑप्टिक केबल है। और अनगाइडेड में वायरलेस फ्री स्पेस में हमारे पास मीडिया है। तो गाइडेड मीडिया क्या होता है हम उसको देखते हैं स्लाइड्स में। गाइडेड मीडिया विच आर दोज दैट प्रोवाइड अ कंडुइट फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। कंडुइट मतलब एक रास्ता, एक कनेक्शन एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस का। इंक्लूडेड इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल भी हो सकती है, कोएक्सियल भी हो सकती है, और फाइबर ऑप्टिक भी। इन केबल्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जो डिटेल्स और डायग्राम्स हैं हम देख लेते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल इस तरह की होती है, इसके अंदर कंडक्टर होता है और इंसुलेटर होता है। इसके ऊपर जो रबड़ वायर होगी वो इंसुलेटर वगैरह होगा, रबर होगा, अंदर जो है कंडक्टर होगा। ये हम आम देख रहे होते हैं, हमारे घरों में भी आपको मिल जाएगी। ये इसकी एग्जांपल हैं, UTP और STP केबल्स हैं। प्लास्टिक कवर, उसके बाद फिर एक इंसुलेशन और दूसरी। STP में क्या है, एक मेटल शीट अलग से है, और उसके बाद जो है वो आपके पास केबल्स हैं। ये भी ट्विस्टेड केबल्स की टाइप्स हैं। अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल और शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं हम इनको, UTP और STP। ये कुछ इनकी स्पेसिफिकेशंस हैं। अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर, उसकी डाटा रेट क्या है MB में टेलीफोन लाइन में जो आ रही है। अनशील्ड पेयर ओरिजिनली यूज इन टी लाइंस 2 MBPS, इम्प्रूव्ड CAT2 यूज इन लैंस 10 MBPS। ये सारी आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल लैंस में यूज़ हो रही है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये UTP का कनेक्टर है जो आप जो है रोज़मर्रा के जो है इस्तेमाल में है आपके। RJ45 का जो कनेक्टर है, और दूसरी तरफ उसका मेल है, फीमेल जो है वो आपके लैपटॉप में या PC में होगा, मेल कनेक्टर जो है वो आपका वायर पे लगा होगा। तो ये हम लोग रोज़ ही तकरीबन देखते हैं।
यूटीपी कनेक्टर। ये एक परफॉर्मेंस ग्राफ है यूटीपी का, इसको आप देख लें। ये मुख्तलिफ गेज में अवेलेबल हैं डायमीटर के साथ, उसके बारे में ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे फ्रिक्वेंसी है जो 26 गेज वाले की सबसे ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू अटेनुएशन। जैसे जैसे अटेनुएशन जो है आपके पास बढ़ती जा रही है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है 18 गेज वाले की, और अटेनुएशन भी कम उसकी है। तो ये वाली 18 गेज वाली जो है वो सबसे अच्छी वायर है। कोएक्सियल केबल देख लेते हैं, उसमें उसकी क्या स्पेसिफिकेशन डायमेंशन है कि किस तरह से उसका डिज़ाइन हुआ है। प्लास्टिक कवर है, फिर इंसुलेटर है, फिर उसके अंदर आउटर कंडक्टर शील्ड है। मेरे ख्याल से ये केबल वाली वायर है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। फिर एक उसके अंदर इंसुलेटर है, फिर इनर कंडक्टर है, आखिर में आ गया। ये केबल की वायर इसी तरह की होती है। देखिए आप लोगों ने केबल की वायर। कैटेगरीज ऑफ कोएक्सियल केबल्स, RG59, RG58, RG11। मुख्तलिफ केबल टीवी देखा, एथिन इथरनेट और थिक इथरनेट इसमें भी यूज़ हो रही है। इम्पीडेंस भी होती है वायर की, फिर 75 ओम, 50 ओम और 50 ओम। इनकी कुछ स्पेसिफिकेशन है आपको टेबल में नज़र आ रही है। उसके बाद हमारे पास इसके कनेक्टर है, BNC कनेक्टर, ठीक है। अच्छा, ग्राउंड वायर और उसके बाद कनेक्टर, ठीक है। इसमें भी परफॉर्मेंस है हमारे पास फ्रिक्वेंसी और अटेनुएशन। तो इनका ये शायद डायमीटर है मिलीमीटर में, तो इसमें भी यही नज़र आ रहा है कि जो लास्ट वाली है उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा और अटेनुएशन कम है, 2.6/9.5 मिलीमीटर की, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, इसमें बेंडिंग ऑफ लाइट रे, ये वही आपने जो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वगैरह के कॉन्सेप्ट हैं वो हैं। ये रिफ्लेक्शन है बेसिकली, ये वो कॉन्सेप्ट है, सॉरी रिफ्रैक्शन वाला। ऑप्टिकल फाइबर अगर पढ़ी होगी फिजिक्स में, कोई चैप्टर था मेरे ख्याल से। ऑप्टिकल फाइबर में जो है वो आपके पास लाइट सिग्नल होता है, इसके अंदर एक तरफ से सिग्नल भेजा जाता है और इसमें रिफ्लेक्शन का फिनोमिना पाया जाता है। कोर होता है और क्लैडिंग होती है। कोर के अंदर जो है वो सिग्नल ट्रैवल करता है, और मुख्तलिफ सिग्नल ट्रैवल कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू उनके जो आपके पास एंगल से भी डिफरेंट होते हैं वो। और उनकी एक और होती है बैंडविड्थ, तो नहीं, एक और भी चीज़ होती है, देखते हैं आगे। अच्छा, इसमें प्रोपेगेशन मोड है, एक मल्टी मोड है, एक सिंगल मोड है, फिर मल्टी मोड में स्टेप इंडेक्स और ग्रेडियंट इंडेक्स, ये ऑप्टिकल फाइबर में होते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कि मोड्स किस तरह वर्क कर रहे हैं। मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स में क्या हो रहा है कि आपके पास तीन सिग्नल मुख्तलिफ जो है वो डायमेंशन के ट्रांसफ़र किए गए हैं और वो डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, ठीक है। मल्टी मोड ग्रेडियंट इंडेक्स में क्या है, एक सिग्नल जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा और दूसरा जो है वो साइनसोइडल होगा, ठीक है। और सिंगल मोड में सिर्फ एक ही सिग्नल होगा बिल्कुल स्ट्रेट। इसमें सबसे एफिशिएंट आई थिंक सिंगल मोड होगा। और फाइबर ऑप्टिक्स की टाइप हैं, टाइप 50, 62.5, 100 और 7। इनका मुख्तलिफ कोर और क्लैडिंग के फ़र्क है, ठीक है। मल्टी मोड, अच्छा सिंगल, हाँ ये मैं कह रहा था कि कोर और क्लैडिंग के ये जो आपके पास स्पेसिफिकेशन मीटर वगैरह है उसमें फ़र्क होता है। तो कोर में अगर 7
माइक्रोमीटर का कोर है तो वो सिंगल मोड होगा, 100 माइक्रोमीटर का कोर है तो वो मल्टी मोड होगा, और 62.5 का कोर है तो वो मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स, और मल्टी मोड 6250 में भी ग्रेडेड इंडेक्स है। फाइबर की कंस्ट्रक्शन कैसे हुई होती है, आउटर जैकेट, उसके बाद ड्यूपोंट केवलर फॉर स्ट्रेंथ, प्लास्टिक कवर, ग्लास, और अच्छा उसके बाद क्लैडिंग, और उसके बाद ग्लास और प्लास्टिक कोर। ये आपके पास जो फाइबर होता है, ये एक आपका जो बाल का डायमीटर है ना, ये तकरीबन उसके जितना थिक होता है, बाल के जितना। फाइबर ऑप्टिक के केबल कनेक्टर हैं, SC कनेक्टर है, ST कनेक्टर है, MT, RJ कनेक्टर है। इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन से कनेक्टर होते हैं नेम से, ठीक है। परफॉर्मेंस में इसमें देख लेते हैं। अच्छा, इसमें वेवलेंथ होती है लैम्डा जिसको हम कहते हैं, और लॉस है तो ये बताया हुआ नहीं है कौन सा है। बहरहाल आप ग्राफ देख सकते हैं कि वेवलेंथ जब 1400 है तो लॉस जो है वो ज़्यादा है, और वेवलेंथ जैसी ज़्यादा हो रही है तो लॉस कम हुआ है, फिर एक जगह पे ज़्यादा हो रहा है। ये रैंडम है, ये ग्राफ बिल्कुल रैंडम है, इससे हम लोग जो है वो ज़्यादा इतना जज नहीं कर सकते, ठीक है। और नेक्स्ट अनगाइडेड मीडिया आ जाता है, वायरलेस अनगाइडेड मीडिया ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट यूजिंग अ फिजिकल कंडक्टर, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑफन रेफर टू एज वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन में रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव हैं, इंफ्रारेड है, तो मैग्नेटिक वेव्स विदाउट यूजिंग अ फिजिकल कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का आप कोर्स ही पढ़ के आए हैं तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वायरलेस जो है अनगाइडेड मीडिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है वायरलेस कम्युनिकेशन में, 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक रेडियो वेव और माइक्रोवेव हैं, फिर 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर 400 टेराहर्ट्ज तक इंफ्रारेड, और उसके बाद 400 टेराहर्ट्ज से 900 टेराहर्ट्ज तक लाइट वेव। रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव ज़्यादातर यूज़ हो रही हैं 300 किलोहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक, ठीक है। प्रोपेगेशन मेथड्स क्या हैं, एक ग्राउंड प्रोपेगेशन है, एक स्काई प्रोपेगेशन और एक लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन है, ठीक है। बिलो 2 MHz जो है वो ग्राउंड प्रोपेगेशन हो रही है अर्थ पे, एक जो है आपके पास एंटीना है वो अर्थ से जो है वो एंटीना जो है वो प्रोपेगेट कर रहा है इंफॉर्मेशन अपने रिसीवर को, जो उसकी वेव सिग्नल रिसीव कर रहा है उसको। इसी तरह अगर मैं स्काई प्रोपेगेशन करूँ तो वो जो आपका पहला क्या कहते हैं इसको स्फेयर है, स्पेस है, वहाँ से वो टकरा के दोबारा वापस दूसरी तरफ जा रही है, तो ये है 2 to 30 MHz, ठीक है। अबव 30 MHz से लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन है, बिल्कुल लाइन ऑफ साइट में एंटीनास को रख के जो है वो प्रोपेगेशन मतलब के जो सिग्नल की प्रोपेगेशन है वो कनेक्ट की जाती है, कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। ग्राउंड प्रोपेगेशन, स्काई प्रोपेगेशन और लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन में आप फिगर्स में डिफरेंस देख सकते हैं। अच्छा, बैंड्स आ जाते हैं मुख्तलिफ, ये इम्पोर्टेंट है आपके फ्यूचर में, अगर आप लोगों का कोई टेस्ट वगैरह होता है, MCQs, आंसर वगैरह, MCQs टेस्ट वगैरह जॉब के लिए, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें पूछी हुई होती हैं।
वेरी लो फ्रिक्वेंसी बैंड है, 3 से 30 किलो हर्ट्ज तक ग्राउंड प्रोपेगेशन के लिए। लॉन्ग रेंज रेडियो नेविगेशन एप्लीकेशन है इसकी, लो फ्रिक्वेंसी में 30 से 300 किलो हर्ट्स। ये हमने भी टेबल देखा था उसमें कितना था, 3 किलो हर्ट्स से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक रेडियो वेव्स जो है एंड माइक्रोवेव वेव्स है। तो वेरी लो फ्रिक्वेंसी जो है वो 300 3 किलो हर्ट्स से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 30 किलो हर्ट्स तक तो हम इसको वेरी लो कहते हैं, फिर लो फ्रिक्वेंसी को 30 से लेकर 300 किलो हर्ट्स तक कहते हैं। ये भी ग्राउंड है, रेडियो बीकन एंड नेविगेशनल लोकेटर्स। फिर मिडल फ्रिक्वेंसी आ जाती है 300 किलो हर्ट्स से 3 मेगा हर्ट्स तक, स्काई प्रोपेगेशन है, एम रेडियो वेव्स हैं ये। हाई फ्रिक्वेंसी आ जाती है 3 से 30 मेगा हर्ट्स, स्काई प्रोपेगेशन में है। सिटीजन बैंड शिप्ड एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन आ जाती है इसमें, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी में 32 300 मेगा हर्ट्स, स्काई एंड लाइन ऑफ साइट, VHF TV FM रेडियो। फिर अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी आ जाती है आपके पास 300 मेगा हर्ट्स से 3 गीगा हर्ट्स तक, और ये लाइन ऑफ साइट में आती है, ये भी सेलुलर फोन्स, UHF TV सेलुलर फोन्स, पेजिंग सेटेलाइट, 300 मेगा हर्ट्स से 3 गीगा हर्ट्स तक। सुपर हाई फ्रिक्वेंसी आ जाती है आपके पास 3 से 30 गीगाहर्ट्ज़, लाइन ऑफ साइट सेटेलाइट कम्युनिकेशन है इसमें। फिर एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी आ जाती है 30 से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक, लाइन ऑफ साइट रेडार सेटेलाइट एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, अगर आप इसको जो है देखें, इसके अंदर आपके पास फ्रिक्वेंसी वाइज डिवीजन हुई हुई और एप्लीकेशन भी लिखी हुई है, और प्रोपेगेशन भी बता रहा है कि कौन सी वाली प्रोपेगेशन है। तो हमारा जो मोबाइल नेटवर्क है सेलुलर फोन अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी में है 300 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज़ तक, ठीक है। आप लोग सर्च कीजिएगा जाके कि 3G के और 4G वगैरह के कौन से बैंड जो हैं वो कंपनीज यूज़ कर रही हैं फ्रिक्वेंसी के। अच्छा, वायरलेस ट्रांसमिशन में हमारे पास रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड, ये हम लोगों ने अभी पहले देखा है इंट्रोडक्शन में गाइडेड अनगाइडेड मीडिया के। ओमनी डायरेक्शनल एंटीना क्या होता है कि ये आपके पास जो है वो 360 डिग्री में अपने जो सिग्नल्स हैं वो सेंड कर सकता है, और जो ये मोबाइल सेलुलर कम्युनिकेशन है ख़ास तौर पे जो 3G में CDMA वगैरह है, और जो आपका वाईफाई राउटर है वो भी ओमनी डायरेक्शनल होता है। रेडियो वेव्स आर यूज फॉर मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन सच एज रेडियो एंड टेलीविजन एंड पेजिंग सिस्टम्स। यूनिडायरेक्शनल एंटीनास क्या होते हैं, एक डिश एंटीना, ठीक है, और हॉर्न एंटीना। हॉर्न एंटीना वेव गाइड, ये आपका एक जो है कोर्स होता है वेव प्रोपेगेशन एंटीनास, उसमें जो है वेव गाइड्स पढ़ाते हैं, इसके 2-3 बड़े इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं। माइक्रोवेव्स आर यूज्ड फॉर यूनिकास्ट कम्युनिकेशन सच एज सेलुलर टेलीफोन, सैटेलाइट नेटवर्क एंड वायरलेस लैंस। माइक्रोवेव्स यूज़ हो रही हैं यूनिकास्ट कम्युनिकेशन सेलुलर फोन्स में, ठीक है। तो आपके पास ये जो जो एंटीनाज लगे होते हैं आपके टावर्स पे, ये कौन से एंटीनाज हैं, यूनिडायरेक्शनल एंटीनाज हैं, ठीक है। इंफ्रारेड सिग्नल्स कैन बी यूज फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन इन अ क्लोज एरिया यूजिंग लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। इनके बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन जो है बुक में देख लेते हैं।
यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है, ये कह रहा है कि देर इज़ नो क्लियर कट डिमार्केशन बिटवीन रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेंजिंग इन फ्रिक्वेंसीज बिटवीन 3 kHz एंड 1 GHz आर नॉर्मली कॉल्ड रेडियो वेव्स। ठीक है, और वेव रेंजिंग इन फ्रिक्वेंसीज बिटवीन 1 and 300 GHz आर कॉल्ड माइक्रोवेव्स। तो 3 kHz से लेकर 1 GHz तक रेडियो वेव्स हैं, उसके बाद माइक्रोवेव्स हैं। रेडियो वेव्स जो हम ओमनी डायरेक्शनल एंटीनाज यूज़ करती हैं, AM/FM रेडियो, टेलीविजन, मैरीटाइम रेडियो, कॉर्डलेस फोन एंड पेजिंग आर एग्जांपल ऑफ मल्टीकास्टिंग। रेडियो वेव आर यूज्ड फॉर मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन सच एज रेडियो, टेलीविजन एंड पेजिंग। माइक्रोवेव्स में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 1 and 300 GHz आर कॉल्ड माइक्रोवेव्स, आर यूनिडायरेक्शनल, प्रोपेगेशन इज लाइन ऑफ साइट, सिंस द टावर्स विद द माउंटेड एंटीनाज नीड टू बी इन डायरेक्ट साइट ऑफ ईच अदर टावर्स दैट आर फार अपार्ट नीड टू बी अ वेरी टॉल, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ एज वेल एज अदर ब्लॉकिंग ऑब्स्टिकल डू नॉट अलाउ टू शॉर्ट टावर्स टू कम्युनिकेट बाई यूजिंग माइक्रोवेव्स। Repeaters are often needed for long distance communication. Very high frequency microwaves cannot penetrate walls. This can be a disadvantage if receivers are inside buildings. The microwave band is relatively wide, almost 299 GHz. Therefore, wider subbands can be assigned and a high data rate is possible. Use of certain portion of the band requires permission from authorities. इसमें हम लोग यूनिडायरेक्शनल एंटीनाज यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन पर पढ़ लेते हैं क्या है। माइक्रोवेव ड्यू टू देयर यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टीज आर वेरी यूजफुल व्हेन यूनिकास्ट वन टू वन कम्युनिकेशन इज नीडेड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। दे आर यूज्ड इन सेलुलर फोन्स। आपका जो मोबाइल नेटवर्क है सेलुलर फोन्स, उसके अंदर माइक्रोवेव्स ही हैं। इनकी आपने फ्रिक्वेंसी देख ली है 1 kHz से लेकर 1 GHz से लेकर 300 GHz तक। ठीक है, तो हमारे पास जो टावर पे एंटीनाज हैं, इसका मतलब है कि वो यूनिडायरेक्शनल एंटीनाज हैं जो लाइन ऑफ साइट का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं और सेलुलर फोन्स में यूज़ हो रहे हैं, सैटेलाइट नेटवर्क में और वायरलेस लैंस में। इसके बाद इंफ्रारेड वेव्स हैं विद फ्रिक्वेंसी फ्रॉम 300 GHz टू 400 THz, कैन बी यूज फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, ये हम पढ़ चुके हैं। हैविंग हाई फ्रिक्वेंसी कैन नॉट पेनिट्रेट वॉल्स, दिस advantageous character prevents interference between one system and another. Application mein kya hai, the infrared band almost 400 THz has an excellent potential for data transmission, such a wide bandwidth can be used to transmit digital data with a very high data rate. The infrared data association, an association for sponsoring the use of infrared waves, has established standard for using these signal for communication between devices such as keyboard, mouse, PCs and printer. For example, some manufacturers provide a special port called the IR port that allow a wireless keyboard to communicate with a PC. ठीक है, तो ये standard originally defined data are of 75 kbps for a distance up to 8 mi. आपके पास जो infrared है, ये wireless keyboard हो गया, wireless mouse हो गया, ये यहाँ पे use हो रहे हैं, इनकी frequency काफ़ी high है। Infrared signal defined by RDA transmits through line of sight. The IRDA port on the keyboard needs to point to the PC for transmission to occur. Infrared signals can be used for short range communication in a closed area using line of sight propagation. So, ye transmission media ka chapter aapka yahan end hota hai. Inshallah next jo hai wo hum continue karenge. जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, इसमें स्विचिंग का चैप्टर है, चैप्टर 8। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।